अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, सब खैरियत से? अच्छा जी, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा असाइनमेंट पे नजर डालेंगे। जमाए सबके 39, माशाल्लाह इतने सारे स्टूडेंट्स हो गए हमारी क्लास में। 95 लोगों ने अभी तक नहीं किया, और देखो इसमें कितने अच्छे अच्छे भी मुझे नजर आ रहे हैं, जबरदस्त यार, बेहतरीन हो गया यार। देखो कितने अच्छे अच्छे लोगों ने बनाए। नहीं, ऑफिस में पूछ ले अगर बुलाया हो तो किसे। ठीक है भाई, मटन देखें कितना जबरदस्त डाल है, पैसे वगैरह भी डाल दिए। अच्छा ये भी जबरदस्त बना दिया भाई, देखें थोड़ी CSS वगैरह आती होगी तो बैकग्राउंड इमेज लगा दी इसमें। अच्छा देख, अभी भी zip फाइल आ रही है मेरे पास, क्यों? कौन है मजर रईसुद्दीन? होस्टिंग नहीं हुई? क्यों नहीं हुई भाई? तो वजह ढूंढने ना, क्या वजह है? देखें छोड़ना कोई है हमें, एक चीज जब समझ में नहीं आएगी छोड़ देंगे क्या इसमें? जैसे ऐसे ही कोर्स की बात, अगर कोर्स जब समझ में नहीं आएगा छोड़ेंगे नहीं भाई, हम प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो काफी सारे लोग हैं जिनका भाई ये इस तरह से, ये देखो खाली, ये क्या स्पीड में, अच्छा ये साइन है ना, नीचे आ गया मैं थोड़ा सा, ऊपर सही है। चलो देखो भाई कितना अच्छा अच्छा सबने बनाया, चिकन बिरयानी, और ये आ गई इमेज। ठीक है भाई, बेहतरीन बनाया देखें। तो बाकी लोग कब तक करेंगे भाई? भाई देखें ये तो HTML है यार, इसमें भी इतना टाइम लगेगा तो। अच्छा पहला असाइनमेंट हम देखें तो इसमें भी देखें 46 लोगों ने करा ही नहीं भाई, इसको थोड़ा सा देखें। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये जो काउंटर आ रहा है ना आपके सामने नजर, एक में टेंडेंट लिखा हुआ आ रहा है और एक में असाइन, ये असाइन वाले को कम करने के दो तरीके होते हैं, शायद आपको पता है ऑलरेडी। पहला इसको आप लोग करेंगे कैसे, काम करके सबमिट करके। दूसरा मेरे पास भी ऑप्शन है, मैं कैसे करूंगा, क्लासरूम से निकालूंगा और ये कम होता जाएगा। तो दोनों में से एक ऑप्शन चलाना होगा हमें जिससे ये कम हो सकता है। तो ये असाइन वाला जो है ना, मुझे जीरो चाहिए, ठीक है भाई, नहीं तो मैं जीरो कर दूंगा, वो मुझे पता कैसे होगा। एक एक करके निकालते रहेंगे हम तो ये खुद जीरो हो जाएगा। सेकेंड अगर हम देखें तो देखें भाई, इसमें भी 62 लोग हैं जिन्होंने अभी तक सबमिट ही नहीं करा। इसमें देखें यार, वो लोग भी होंगे जिनको आता होगा, मैंने पहले ही बोला कि भाई जिसको आता है वो भी करेगा, ऐसा नहीं समझे कि यार ये इसको छोटी चीज समझ रहा हूँ, नहीं मुझे इतना, मैंने तो इतना काम किया है, मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, मेरे लिए HTML करके क्या फायदा होगा। तो ऐसा नहीं सोचे, अगर आता भी है तो फिर भी करें, ठीक है भाई। तो लाजमी है असाइनमेंट सबमिशन आपके लिए। अच्छा अब जहां तक हमने पढ़ा है उसमें किसी को कोई इश्यूज आ रहे हैं तो डिस्कस कर सकते हैं हम। पहले किसी का कोई सवाल? जी किसमें, क्लासरूम में? Netlify में इमेज अपलोड नहीं हो रही तो इमेज क्यों कर रहे हैं? इमेज शो नहीं हो रही। अच्छा वो लिंक बताएंगे मुझे, अपना लिंक याद है? सबमिट किया असाइनमेंट? क्या नाम है, एक मिनट, असाइनमेंट 3 शाहिद। अच्छा अब देखते हैं, मुझे जहां तक लग रहा है इनका वही इशू निकलेगा जिससे मैंने मना किया था ना कॉपी पाथ करने से, तो देखते हैं क्या इशू निकलेगा। शाहिद, ये शाहिद खान, अच्छा ये शाहिद हबीब, ठीक है जी हम देख लेते हैं। इसमें तो सारे आपने लिंक सबमिट नहीं किया Netlify का, लिंक भी करना था ना। चले फाइल में देख लेते हैं, इमेज कहाँ लगाई है।
ये देखें भाई, नजर आ रहा है सबको भाई, क्या इशू है? आए थे आप दोनों क्लासेस में? क्या नहीं किया? ये देखिए भाई, ये मैंने करके दिखाया था और क्या बोला था, क्या आपने ये काम नहीं करना, इन्होंने कर दिया। अब जो जिसको भी ये इशू आ रहा होगा ना, उसने यही काम किया होगा। देखिए ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ लोगों को, मुझे पता है ये अक्सर लोग गलती करते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको पहले ही हाईलाइट कर दिया कि भाई ये वाली गलती नहीं होनी चाहिए। इससे हुआ ये होगा कि आप देखें पूरा पाथ दिए ना अपने, सी ड्राइव, यूजर, शाही, डाउनलोड्स, तो जब आप अपनी वेबसाइट किसी सर्वर पर डिप्लॉय करते हैं, वहां पर ये लोकेशन नहीं होती, या आपने इसको अपने कंप्यूटर की लोकेशन से दी हुई इमेज, तो जब आप अपलोड करेंगे वहां ये मिलेगी नहीं, तो शो नहीं होगी। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है, वेबसाइट से रिलेटेड जितना भी मटेरियल हो, इमेज, वीडियो, ऑडियो, फॉन्ट, वो सारा किस में रहेगा, एक फोल्डर के अंदर रहेगा, और वो फोल्डर बाद में डिप्लॉय होगा। फोल्डर के बाद ना वेबसाइट से रिलेटेड कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है भाई? जो कुछ भी होगा वेबसाइट का, वो एक मेन फोल्डर के अंदर होगा। इमेजेस बनाए उसमें इमेजेस डालें, अगर वीडियो आगे डालेंगे वीडियो का फोल्डर बनाया उसमें डालें, ठीक है? और किसी को कोई मसला आ रहा है भाई? सर मेरा पार्ट देख के, लेकिन फोटो जो है ना वो ब्लैक आ रही है, मतलब मैं थोड़ा आइकन बनाना आता देख रहा हूं, क्या पिक्चर नजर नहीं आ रही? नहीं सर, एक बस पेज पे तो मेरी आ गई, सेकंड पेज काफी सबमिट कर है, लिंक याद है? मैंने WhatsApp पे स्क्रीनशॉट भेजा, WhatsApp पे भेजा है, सबमिट नहीं किया आपको, देख लेते हैं भाई, ग्रुप में भेजा है? पिक शो नहीं हो रही, कोई बताएगा? ये है भाई। अच्छा अब मैं वो कैसे देखूंगा इसका लिंक, ना लिंक है ना कोड है। और फिर एक और ने कमेंट, एक और ने भी यही भेजा है, क्या नाम है, एरिस करके है, तो लिंक अगर मुझे मिले तो फिर मैं कुछ करूँ ना। एयरफोर्ट शेयर पे रख दें, अगर इंटरनेट चल रहा है तो airforceshare.com पे जाएं और लिंक रख दें, यहाँ पे रख दिया। असाइनमेंट क्या नाम है? ये यहाँ पे तो आपकी सिर्फ zip फाइल आ रही है, फिर वो दोबारा अनसबमिट करके दोबारा लिंक ऐड करके कर दो, वो लिंक सही नहीं गया होगा। हाँ भाई लिंक रखा, लिंक मिले तो देखे ना जी। किस नाम से? एहसन से देखी, एसन से देखी, देख लेते इमेज कहाँ लगाई है। ये भाई ये देखें, ये इमेज शो नहीं हो रही, तो देखते हैं इमेज क्यों शो नहीं हो रही। अच्छा भाई देखें, इमेजेस का फोल्डर बना हुआ है और चिकन कॉन्सो डॉट जेपेक की फाइल दी हुई है, ठीक है। अच्छा ये हो सकता है का फोल्डर दिखाएंगे, पता है आपको क्या करा है? हाँ बिल्कुल देखें ऐसा ही है, मेरे ख्याल से इमेजेस का फोल्डर होगा आपके रूट पे, ये जो नजर आ रहा है आपको कोड सबको, ये जो इमेजेस का फोल्डर आ रहा है ना, ये इस फोल्डर के बाहर होगा, तो आपको डॉट डॉट स्लैश लगा के पहले फोल्डर से बाहर निकलना था, और फिर ये अगर हम देखें यहाँ पे इसको एडिट कर दें, डबल डॉट स्लैश लगा दें, आ गई, ठीक है भाई? तो आपका जो इमेजेस का फोल्डर है वो बाहर है रूट पे, मेन वाले फोल्डर में, आपने उसको डायरेक्ट यहीं पर ही एक्सेस करना चाहा, ठीक है भाई? डायरेक्ट नेम उसका देते हैं हम जो सिबलिंग हो, डायरेक्ट नेम,
ठीक है, जिस फाइल पे हम खड़े हुए ना और किसी और फोल्डर या फाइल पे जाना चाह रहे हैं और उसको हम डायरेक्ट नाम दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो सिबलिंग होना चाहिए, लेकिन ये सिबलिंग नहीं है। तो इमेजेस के अंदर जाने के लिए पहले इस फोल्डर से बाहर आना होगा और फिर उसके बाद इमेजेस के अंदर जा सकेंगे आप। क्लियर है ये चीज सबको? देखिए ये वही वाली चीज है डायरेक्टिव स्ट्रक्चर, इसको जितना प्रैक्टिस में लेंगे ना उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, उतना अच्छा समझ में आएगा, आगे तक ये बहुत काम आएगा, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये डायरेक्टिव स्ट्रक्चर। और किसी का कोई मसला? चले तीसरे पे भी डाल दिएगा दोबारा से, जिसने सबमिट नहीं किया तीसरा असाइनमेंट वो सबमिट कर दिएगा। सही भाई, तो अब किसी को कोई मसला नहीं है तो फिर हम आगे पढ़ते हैं। index.html नहीं बनाई हुई फोल्डर के अंदर, ठीक है भाई, यही मसला है। स्पेस स्पेस तो नहीं है बीच में? नहीं सर, वो भी ये किया होगा कि पहले जो सबमिट कर रहा है वो ना उसी की जगह दूसरा वाला भी करवा दे तो वो लिंक ग्रुप हो जाता है। नहीं ऐसा तो मसला नहीं होता, मेरे साथ भी ये इशू हुआ था। देखिए इसमें यही मसला होगा कि कोई दूसरी फाइल का नाम बताएं, कोई फाइल बनाइए और इसके अंदर। हाँ दिखाओ मुझे। रिप्लाई किस तरह किया है मुझे दोबारा से करके दिखाओ। सर अभी के ये काम चल रहा है ये सही, तो रिप्लाई गलत किया होगा, फोल्डर गलत अपलोड कर दिया होगा, ये भी होता है। सर फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर ना हो, जो आपकी वेबसाइट का मेन फोल्डर है ना वो जाएगा हमेशा नेटलिफाई पे, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि एक फोल्डर के अंदर वेबसाइट का फोल्डर है और उससे पैरेंट वाले फोल्डर को डिप्लॉय कर दिया तो मसला आएगा। जो मेन वाला फोल्डर है ना, जिस फोल्डर के अंदर index.html की फाइल है, वो फोल्डर ड्रैग एंड ड्रॉप होगा, उस पर डिप्लॉयमेंट होगी, ठीक है भाई। भाई देखें एक ही मेन फोल्डर होता है ना हमारा, देखें मैं अभी बना के दिखा देता हूं आपको। देखें मैं यहां पे एक फोल्डर बना रहा हूं आज की डेट का, ठीक है, ये मेरा मेन फोल्डर है वेबसाइट का, और देखें इसके अंदर मैं index.html बनाऊंगा। देखिए इसमें मैंने index.html बना दी। अब जो Netlify पर डिप्लॉय होगा वो कौन सा फोल्डर होगा? ये डेट वाला, ठीक है भाई। हो सकता है काफी लोगों ने HTML कर दिया हो और HTML के अंदर ये फोल्डर पड़ा हो, तो ये जो मेन फोल्डर है ना जिसके अंदर जैसे ही हम फोल्डर ओपन करें index.html होनी चाहिए, तो ये वाला फोल्डर डिप्लॉय होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है भाई, इसकी वजह से भी इशू आता है। बुक खोल लेते हैं भैया, अब हम कौन से चैप्टर पे थे? टेबल आएगा, चैप्टर 6 इमेजेस हो गया था ना। अच्छा भाई चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि टेबल्स है, तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, हाउ टू क्रिएट टेबल्स, व्हाट इंफॉर्मेशन सूट्स टेबल्स, के भाई क्या कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो हम टेबल पे दिखा सकते हैं, टेबल पे अच्छी लगती है वो। अच्छा हाउ टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा इन टेबल्स। अच्छा टेबल देखें किस लिए होता है, कि हमारी वेबसाइट में अगर कोई ऐसा डेटा हो जैसे बहुत सारे यूजर्स हो हमारे पास, उनका डेटा पड़ा हुआ हमारे पास और उसको वेबसाइट में शो करवाना है,
तो हम कैसे करवाएंगे? काफी सारे इसके तरीके हो सकते हैं। अगर हम बोले यार हर यूजर का नेम, फादर नेम, रोल नंबर वगैरह ये सब दिखाना है, या तो हम कार्ड्स बना के दिखा देंगे तो उसमें बहुत ज्यादा लंबा काम हो जाएगा। हर किसी के आगे हमें लिखना पड़ेगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, इस तरह कॉलम बनाने पड़ेंगे। अच्छा, अगर हम लिस्ट ऑफ डेटा हमारे पास होता है ना, अच्छा आप देखिए, लिस्ट ऑफ डेटा ना कोई भी हो सकता है, यूजर्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, हमारी कोई प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। तो लिस्ट ऑफ डेटा शो करवाने के लिए बेस्ट रहता है टेबल्स। जिस तरह आप एक्सेल यूज किया सबने, एक्सेल में आप देखते हो ऊपर कॉलम आ रहे होते हैं, ठीक है भाई, तो हम कॉलम बना देते हैं, उसके नीचे डेटा ऐड करते जाते हैं। तो इससे आसानी क्या होती है कि हमें पता है यार ये कौन सा कॉलम चल रहा है और हम उसके नीचे सिर्फ वैल्यूज ऐड कर रहे हैं, बार बार कॉलम का नेम देना नहीं पड़ रहा। कॉलम का नेम कितनी बार दिया? एक बार। तो इससे हमें डेटा रीड करने में ना आसानी हो जाती है और टाइम भी कम लगता है, ठीक है भाई, और जो हमारी फाइल का साइज है वो भी कम हो जाता है क्योंकि बार बार हमें कॉलम नेम नहीं लिखना पड़ रहे। तो इसी तरह भाई वेबसाइट में भी काफी सारा ऐसा डेटा होता है जो आपको टेबल्स के अंदर दिखाना होता है, ठीक है। काफी सारी ऐसी वेबसाइट है जो दिखा रही है ऑलरेडी, जिसमें देखिए कुछ एग्जाम्पल्स भी देंगे। अगर आप किसी एयरलाइन की वेबसाइट ले लें, वहां पे जाके आप अपना टिकट चेक कर रहे हैं भाई फ्लाइट का, कराची टू इस्लामाबाद अगर हमें जाना है, तो वहां पे काफी सारी फ्लाइट्स आपको शो हो रही होती हैं। तो सबकी जो है ना कॉलम एक ही होते हैं और वैल्यूज अलग अलग होती हैं। कॉलम क्या भाई? टाइम क्या है, डेट क्या है, प्राइस क्या है, ठीक है, ये कॉलम है। और डेटा अलग अलग आ रहा होता है, डेट अलग है, प्राइस अलग है। तो इस तरह भाई अगर इस तरह का हमारे पास कोई डेटा होता है तो फिर उसको किसमें दिखाते हैं? टेबल्स के अंदर। टेबल्स बिल्कुल एक्सेल की तरह है, जिस तरह एक्सेल होते हैं ना उसमें रॉ कॉलम वगैरह सब होते हैं, तो बिल्कुल टेबल में भी इसी तरह से होता है सब चीजें। अच्छा, टेबल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए भाई, जिस तरह हमने लिस्ट का स्ट्रक्चर बनाया, लिस्ट हमारे पास दो तीन तरह के हैं, ओएल है, यूएल है, तो इसी तरह टेबल को स्टार्ट करने से पहले एक पैरेंट टैग यूज करते हैं हम, जिसका नेम है टेबल, ठीक है भाई। अच्छा, फिर वही बात कि अगर ये हम नहीं भी ऐड करेंगे, डायरेक्ट टीआर से शुरू कर देंगे तो भी चल जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड जो है ना वो फॉलो करना लाजमी है। तो टेबल सबसे पैरेंट एलिमेंट है, उसके बाद टीआर है। अच्छा, हमने लिस्ट में देखा कि यार सिर्फ एक ही पैरेंट था, इसमें देखिए दो दो पैरेंट आ रहे हैं, पहले टेबल है फिर टीआर है, टीआर के अंदर टीडी है, टीआर का मतलब टेबल रॉ है। अगर आपको एक रॉ पूरी बनानी है तो आप यूज करेंगे टीआर, टेबल रॉ। तो अगर रॉ के अंदर आपने कॉलम ऐड करना है तो आप यूज करेंगे टीडी, टेबल डेटा। इसी तरह आप जितनी मर्जी चाहे रॉ बना सकते हैं, रॉ के अंदर जितने मर्जी चाहे कॉलम ऐड कर सकते हैं। अच्छा देखिए, इसका भी एक स्टैंडर्ड है भाई, देखें ऐसा नहीं होगा कि ऊपर वाली रॉ के अंदर हमने 10 कॉलम ऐड कर दिए तो नीचे वाली में हम 5 कर रहे हैं, ठीक है, जितने ऊपर वाली में उतने ही नीचे वाली में आएंगे। जिस तरह आप एक्सेल पे देखते हैं ना, तो वहां पे रॉ और कॉलम पहले से ही बने हुए होते हैं, हमें बस डेटा ऐड करना होता है। तो एक्सेल में कभी भी ऐसा नहीं होता कि ऊपर वाली लाइन में 10 है तो नीचे में 5 है, जितने ऊपर वाली लाइन में उतने ही नीचे वाली लाइन में होते हैं। तो टेबल, बेसिक एक टेबल बना के देखते हैं भाई किस तरह बनता है। टेबल का पैरेंट टैग यूज होगा, फिर एक टेबल रॉ अगर हमें बनानी है तो कौन सा टैग यूज होगा? टीआर। इसके अंदर कॉलम ऐड करना है तो टीडी। मैं इसमें बोलता हूं भाई एक कॉलम है हमारे पास फर्स्ट नेम का और एक कॉलम है हमारे पास लास्ट नेम का, ठीक है भाई, एक कॉलम हम बना लेते हैं ईमेल का और एक हम बना लेते हैं फोन का। तो ये एक रॉ पूरी मैंने बना ली और उसमें कितने कॉलम है? 4 कॉलम है। अच्छा, अब ये जो रॉ है ना ये सबसे टॉप पर आएगी क्योंकि ऊपर लिखेगा ये, अगर मैं इसके नीचे कोई दूसरी रॉ बनाऊंगा तो ये वाली रॉ इसके नीचे आएगी क्योंकि नीचे की तरफ लिखेगा ये। तो अब यहाँ पे मैं कॉलम ऐड करूंगा और देखिए ऊपर वाला जो होता है ना फर्स्ट रॉ, वेरी फर्स्ट रॉ जो होती है वो हेडर होती है। जिस तरह एक्सेल में आप देखते हैं सबसे पहली रॉ जो होती है उसमें हेडिंग्स आ रही होती है, ठीक है, या तो हम खुद बना देते हैं और बाय डिफॉल्ट एक्सेल की भी होती है कॉलम ए कॉलम बी इस तरह। तो फिर हम क्या करते हैं, एक्सेल पे कोई भी डेटा ऐड करने से पहले ऊपर हम पहले अपनी हेडिंग्स लिखते हैं और उसके बाद नीचे डेटा इंसर्ट करते हैं। तो इसी तरह हमने सबसे पहली रॉ बना दी और इसमें जो भी हमारी हेडिंग्स थी, जो भी कॉलम नेम थे वो डिफाइन कर दिए सबसे ऊपर। अब नीचे वाली रॉ में हम क्या करेंगे? सिर्फ वैल्यूज डिफाइन करेंगे।
ठीक है भाई, मैं फर्स्ट नेम लिख देता हूँ गौस, तो इसी तरह मैं एक और कॉलम बना रहा हूँ, लास्ट नेम में लिख देता हूँ अहमद, इसी तरह मैं एक और कॉलम बना के ईमेल लिख देता हूँ, और एक और कॉलम बना के मैं फोन नंबर लिख देता हूँ। ठीक है भाई, देखिए चार ऊपर कॉलम बने थे जो कि हेडर था हमारा, और चार नीचे बनाए जो कि उनका डेटा है। तो अगर हम इसको चला के देखें, देखते हैं कैसा नजर आ रहा है। ये देखें भाई, ये एक टेबल बन गया। अच्छा, अभी ऐसा नजर आ रहा है क्योंकि हमने इसमें कोई भी स्पेसिंग, बॉर्डर वगैरह ये सब चीजें ऐड नहीं की। अच्छा, तो पहले से हम बॉर्डर ऐड कर देते हैं ताकि आपको टेबल और ज्यादा अच्छा समझ में आ जाए। तो टेबल का जो कि पेरेंट वाला एलिमेंट है ना, अच्छा वैसे तो ये बॉर्डर, कलर, स्पेसिंग, ये सारा काम सीएसएस का है, लेकिन एचटीएमएल 5 ने हमें कुछ ऑप्शन दिए हुए कि टेबल को अगर एचटीएमएल में हम समझना चाहें तो कुछ ऑप्शन दिए हुए जिससे ये थोड़ी बहुत चीजें हम कर सकते हैं, जिसमें एक हो गई बॉर्डर वाली चीज। वो बोलता है भाई टेबल को आप बॉर्डर का एट्रीब्यूट दे दो, और कितने बॉर्डर देने वो बता दो। अगर एक बॉर्डर देना है तो एक पूरा बॉर्डर आ जाएगा, अगर दो बॉर्डर देना है तो दो आ जाएंगे, तो विड्थ बढ़ती जाएगी बॉर्डर की ना। तो मैंने अभी वन दे दिया बॉर्डर के अंदर, जिस तरह विड्थ वगैरह थी इमेज को हमने दी थी, मैंने इसमें दे दिया क्या वन। तो देखे इसने एक बॉर्डर ऐड कर दिया, अब पता चल रहा है कि ये टेबल है। ठीक है, ऊपर जो लिखा हुआ आ रहा है ये क्या है, हमारा हेडर है, और नीचे क्या आती रहेंगी, वैल्यूज आती रहेंगी। अच्छा, अगर मुझे एक और रॉ ऐड करनी है नीचे तो किस तरह होगी, दोबारा से एक टीआर बनेगा, और इसमें अब मैं दूसरे किसी यूजर का डेटा ऐड कर सकता हूँ। टीडी बनाया और मैंने इसमें बोल दिया भाई ये है अली, और अली का लास्ट नेम क्या है अहमद, अली की ईमेल क्या है भाई ali@gmail.com। ठीक है भाई, और आखिरी कॉलम हम ऐड कर देते हैं अली का फोन नंबर। ठीक है भाई, देखें इस तरह डेटा ऐड हो गया। तो जितना आपको डेटा ऐड करना है आप नीचे बस उसकी रॉ ऐड करते जाएंगे और वो डेटा ऐड होता रहेगा, और जो ऊपर वाली रॉ है वो सिर्फ एक बार ऐड की क्योंकि वो उसका हेडर है, कॉलम है उसका। तो अब हमें देख के ना समझ में आ रहा है कि यार ये जो गौस और अली लिखा हुआ है ये फर्स्ट नेम से, और ये जो लास्ट नेम ऊपर लिखा हुआ है उनके नीचे अहमद अहमद जो लिखा हुआ है ये लास्ट नेम की रॉ चल रही, कॉलम चल रहा है। ठीक है भाई, इस तरह ईमेल, इस तरह फोन, तो इस तरह डेटा को ना बड़े आराम से हम रीड कर सक रहे हैं। तो इस वजह से भाई एचटीएमएल में इस तरह का अगर हमारे पास डेटा हो, लिस्ट ऑफ डेटा हो, बड़ा डेटा हो, तो उसके लिए हम टेबल यूज करते हैं। अच्छा, बॉर्डर देखें एट्रीब्यूट है, पेरेंट एलिमेंट है ना टेबल, उसका एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट याद है ना क्या था, एट्रीब्यूट क्या होता है, जो हमारे टैग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है भाई, काफी सारे एट्रीब्यूट हमारे पास होते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे, जिसमें देखें टेबल के लिए, देखें बॉर्डर किसी और पे नहीं चलेगा, अभी आप H1 पे लगा दें, नहीं, हर एट्रीब्यूट, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो हर एलिमेंट के लिए होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सेलेक्टेड एलिमेंट्स के लिए होते हैं। तो बॉर्डर जो है ना सिर्फ टेबल पे चलता है, बॉर्डर इसके अलावा कहीं नहीं चलेगा। अच्छा, अगर मैं देखें बॉर्डर 4 कर देता हूँ, चले इससे ज्यादा नजर आएगा आपको, देखिए इसका जो, इसकी जो विड्थ है वो इसने बढ़ा दी। ठीक है भाई, तो जितना आप रखना चाहें रख सकते हैं, देखिए ये टेम्परेरी है, तो बॉर्डर वाला वैसे सारा काम जो है ना हम सीएसएस से ही करेंगे, ये टेम्परेरी है कि अभी अभी के लिए अच्छा लगे थोड़ा सा, और थोड़ा हमें समझ में भी आ जाए टेबल, तो इस वजह से ही अभी हमने यूज कर लिया। बिल्कुल पैडिंग भी होगी, अभी देखते हैं आगे जिस तरह हमने वो दिए। देखें अभी तो फिलहाल हमने कोई तीसरा एलिमेंट यूज नहीं किया, टीआर का एलिमेंट टेबल रॉ, और टीडी का मतलब है टेबल डेटा, ये कॉलम है। अब जो सबसे ऊपर आप रॉ बनाएंगे ना वो आपका हेडर बन जाएगा। ठीक है भाई, ये देखें सबसे ऊपर जो टॉप पे जो मैंने बनाई है ना रॉ, ये आपका हेडर बन गया क्योंकि ये सबसे ऊपर है। एक्सेल में भी यही होता है ना भाई, ऊपर वाली लाइन में हमने डेटा लिखा अपना, वो हमारा हेडर बन गया, उसके नीचे हम वैल्यूज ऐड करते गए, तो इसमें भी यही है। अच्छा, अब आगे ये बता रहे हैं कि अगर आपको ना ग्रुप बनाना है और आपको टेबल हेडिंग यूज करनी है, तो आप टीडी की जगह सबसे टॉप वाला जो आपका है उसको आप टीएच कर दें, टेबल डेटा की जगह आप उसको कर दें टेबल हेडिंग। तो देखिए मैंने जो टीएच लिखा हुआ है ना इसको मैं कर, टीडी लिखा हुआ है इसको टीएच कर रहा हूं मैं, इसका मतलब है टेबल हेडिंग। तो फर्क देखते हैं क्या आया, ये थोड़ा बोल्ड हो गया और टीडी जो है वो थोड़ा सा लाइट है। ठीक है, तो जब हम जो भी हम हेडिंग वाला काम करेंगे ना, चाहे वो टॉप पे आ रहा हो
देखिए टेबल सिर्फ ऐसा नहीं होता कि टॉप पे हेडर आए और नीचे वैल्यूज आए, टेबल ऐसा भी हो सकता है कि साइड पे हेडिंग्स आए और राइट साइड पे डेटा आए, ये भी ऐसा भी टेबल, जैसे टाइम टेबल होता है, टाइम टेबल में यही होता है ना कि भाई एक साइड पे सब्जेक्ट आ रहे हैं, एक साइड पे टाइमिंग्स आ रही है, तो इस तरह का भी हम बना सकते हैं। तो हम चाहें तो भाई इसको पूरे को टीएच कर दें, ठीक है भाई, रिलोड किया तो ये देखें पूरी टेबल हेडिंग्स ऊपर आ गए। टीएच का मतलब टेबल हेडिंग और टीडी का मतलब टेबल डेटा। टीएच को इस तरह का नहीं है ना, आप टीएच के अंदर एच वन यूज कर लो, अगर से एचटीएमएल की बात करें ना, अलग से टीएच वन नहीं है, आप अलग से हेडिंग यूज करना चाहो तो कर लो, वरना ये सही तरीका तो नहीं है, लेकिन आप कर लो, जब तक हम एचटीएमएल पे हैं तो जब तक कर सकते हैं, ठीक है भाई। अलग से टीएच वन टीएच टू इस तरह नहीं है, वो सिर्फ हेडिंग के लिए था, एच वन से लेकर एच सिक्स तक। अच्छा भाई, अब यहाँ पे देखिए ये जो चीजें इन्होंने दी हुई है, इसमें बताया हुआ है कि इसका जो स्कोप है वो क्या है, स्कोप क्या करता है ये बता देता है कि जो आप हेडिंग ये इंफॉर्मेशन देता है बस ट्रैक को हमारे, कि आप जो हेडिंग, ये जो हेडिंग बन रही है ये कॉलम है या रॉ है, इसके बारे में भाई इसको इन्फॉर्मेशन दे देता है टैग को। इसका जो इम्पैक्ट है वो इतना कुछ आता नहीं है, मतलब इम्पैक्ट कुछ भी नहीं होता इसका, बस ये आप टैग को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई ये एक रॉ है और ये जो है ना ये कॉलम है, हेडिंग के लिए होता है सिर्फ ये टी एच के लिए। सर एक सवाल है जी, कर सकते हैं कोई मसला नहीं है, देखिए अगर हम टीएच यूज ना करें, आप बोल्ड का टैग यूज कर दें, बोल्ड मेरे ख्याल से इसको थोड़ा और ज्यादा कर देगा, देखते हैं या सेम रहने देगा, फर्क देख लेते हैं दोनों में क्या आएगा, सेम है देखें, सेम है, हाँ टीटी कर देते हैं इसको, ऐसे भी कर सकते हैं हम, लेकिन ये टेबल के अपने एलिमेंट है, देखिए एक एलिमेंट का इजाफा हो गया ना यहाँ पे, पहले हमारा काम हो रहा था एक एलिमेंट में टीएच से, अब हमारा काम हो रहा है दो एलिमेंट में, तो बेहतर कौन सा हुआ, एक एलिमेंट में जब काम हो रहा था तो हम उसमें कर देते, और अगर हम ये भी नहीं करते तो फिर आगे हमारे पास ऑप्शन है सीएसएस, सीएसएस से हमने सारे एक साथ पकड़े उठाए सारे कॉलम और सबको एक साथ हमने बोल्ड कर दिया, वो सबसे ज्यादा आसान तरीका है। फर्क देखते क्या है, देखिए कुछ भी फर्क नहीं आ रहा, ठीक है भाई, लेकिन जो इजी होगा ना देखिए भाई उस पर जाया जाएगा हमेशा, और फिलहाल तो खैर है क्योंकि हम अभी एचटीएमएल पे हैं, जो आपको करना है वो करें, कहीं भी हेडिंग डाल दें, कहीं भी बोल्ड डाल दें, कुछ भी करें, बस अभी तो प्रैक्टिस करनी है हमें हर हाल में, कोड अच्छा हो या बुरा हो या जैसा भी हो, तो अभी हमें सिर्फ प्रैक्टिस रखनी है, चाहे जैसा भी कोड लिखें, कोड को ऑप्टिमाइज करना अच्छा करना वो आहिस्ता आहिस्ता आगे सीखते रहेंगे। अच्छा भाई स्पैनिंग कॉलम, ये स्पेसिंग वगैरह की बात हो गई अब यहाँ पे, अच्छा स्पेसिंग की नहीं बल्कि स्पैनिंग कॉलम में क्या होगा कि अब मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखें डेटा, तो इसमें लास्ट नेम अगर आप देखें ना तो गौस का भी सेम है और अली का भी सेम है, और लास्ट नेम मैंने दो बार लिखा हुआ है अहमद और अहमद, तो अब इससे अगर हमें बचना है, हम बोलते हैं यार इनमें एक ही बार लिखूं और ये दोनों को कवर कर ले, जिससे ना होता है टाइम टेबल बना हुआ होता है, और टाइम टेबल में क्या होता है कि भाई सेम टाइमिंग में दो पेपर हो रहे हैं, तो वो क्या करा हुआ है दो कॉलम को उन्होंने मर्ज करके दिखाया हुआ है, तो देखने वाले को समझ में आ जाए कि सेम टाइमिंग में दो पेपर है, ठीक है, तो इस तरह दो बार अहमद लिखा हुआ है, मैं क्या करता हूँ इसको एक बार अहमद कर देता हूँ और दोनों को आपस में मर्ज कर देता हूँ, इस तरह एक्सेल में भी होते हैं ना मर्ज हो जाते हैं कॉलम, तो इसमें क्या होगा जो ये वाला, अच्छा ये वाली जो मर्जिंग है जो ऊपर नीचे, ऊपर वाले अहमद को नीचे वाले से मर्ज कर दो, तो ये खिलाती है रॉ, रॉ स्पैन, क्या खिलाती है, तो आप ये कैसे देंगे, ऊपर वाले अहमद को देंगे, अच्छा नीचे वाला पहले पूरा टीटी रिमूव कर देंगे, नीचे वाला पूरा रिमूव हो गया, और ऊपर वाले को जाके आप देंगे रॉ स्पैन और दे देंगे टू, टू का मतलब ये है कि जो स्पेस लेगा वो दो रॉ के अंदर लेगा, ठीक है भाई, नीचे वाला जो कॉलम होगा ना इसकी, इसको भी कवर कर लेगा,
देखते हैं चला के क्या फर्क पड़ता है, देखें। ठीक है भाई, अब देखने वाले को क्या समझ में आ रहा है कि भाई लास्ट नेम जो है ना वो गौस का भी अहमद है और अली का भी अहमद है, तो इससे ये आसानी हो गई। हाँ बिल्कुल, ये सेकंड वाले रॉ में दो रॉ की जगह ले रहा है, बिल्कुल ये ऐसा ही है कि भाई देखें एक ऊपर वाले रॉ का कॉलम है और एक नीचे वाली रॉ का कॉलम है और ये दोनों कॉलम को मर्ज कर रहा है, बस ये इस तरह समझ लें कि भाई दो रॉ के जो दो कॉलम है ऊपर नीचे उनको मर्ज कर रहा है आपस में। अच्छा इसी तरह भाई कॉल स्पेन भी होता है। कॉल स्पेन में क्या है कि मिसाल के तौर पे अगर हम एक काम ये करें, कोई थोड़ा सा टाइम टेबल टाइप का ही कुछ बना लेते हैं, इसको मैं करता हूं कमेंट। एक नया टेबल बना रहा हूं, इसमें क्या होगा पहले एक टीआर होगी, ठीक है भाई। देखिए जिस तरह बुक में बनाया ना, बल्कि यही वाला हम कॉपी कर लें अगर तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है भाई, ये पूरा मैंने कॉपी कर लिया, कोड फॉर्मेट कर दिया। अच्छा अब इसको चला के हम देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा अभी तो ऐसा नजर आ रहा है, मैं इसको बॉर्डर ऐड कर देता हूँ ताकि और अच्छा नजर आए। बॉर्डर टू, अब देखिए हो क्या रहा है। अच्छा अगर इस तरह का आपने कोई कॉलम छोड़ना है ना जो कि एम्प्टी होगा, तो आप क्या कर देंगे उसकी जगह पे एक एम्प्टी सेल बना के रख देंगे। अच्छा इसको सेल भी बोल सकते हैं आप, टेबल सेल, तो एक एम्प्टी बना के रख देंगे आप, तो वो क्या करेगा अपनी एम्प्टी स्पेस छोड़ देगा। देखिए जिस तरह क्योंकि टाइम टेबल बनाया हुआ है, ऊपर टाइमिंग्स आ रही हैं और लेफ्ट साइड पे डेज आ रहे हैं, तो अगर हम बात करें भाई मंडे, और मंडे को क्या आ रहा है ज्योग्राफी लिखा हुआ आ रहा है, उसमें ऊपर टाइमिंग क्या आ रही है 9 बजे भी और 10 बजे भी, तो दोनों बराबर वाले कॉलम जो है वो आपस में मर्ज हो गए। ये कैसे हुए भाई, इसको हम बोलते हैं कॉल स्पेन। अच्छा अगर हम बात करें ऊपर वाली रॉ के अंदर कितने कॉलम है, 1, 2, 3, 4 और ये 5, और नीचे वाले में कितने, 4। 4 क्यों है, क्योंकि भाई एक कॉलम जो है ना वो हमने मर्ज कर दिया है, एक कॉलम हमने मर्ज कर दिया है, तो जो एक कॉलम हमने मर्ज करा है वो दो कॉलम की स्पेस ले रहा है अब, तो इस वजह से उसमें 4 है। अच्छा ऐसा ना हो कि आप कॉलम भी बना दें और फिर आप कॉल स्पेन भी कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर इस तरह से होगा पूरा टेबल ही आपका खराब हो जाएगा आगे तक। ठीक है तो ये याद रखना, अगर आप दो कॉलम को मर्ज कर रहे हैं ना तो नेक्स्ट वाला जो कॉलम है ना वो आप बनाएंगे ही नहीं, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो जो शुरू वाला कॉलम है स्टार्ट वाला कॉलम है वो नेक्स्ट वाले की जगह ले लेगा और दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे, तो ये क्या है कॉल स्पेन। और रॉ स्पेन क्या कर रहा था, अच्छा मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं, देखें अब मुझे करना ये है, मैं चाहता हूं कि भाई ट्यूसडे वाले दिन भी 9 AM बल्कि हाँ ट्यूसडे वाले दिन 12 AM पे भी 8 है, यहाँ पे होम इसी लिखा हुआ आ रहा है ना, मैं कह रहा हूँ इसको भी 8 करना है मुझे, किस तरह करें जल्दी से बताएं, क्या कर दूं रॉ स्पेन किस पे लगेगा। रॉ स्पेन पे कितना लगा दूं, 2 और नीचे वाला डिलीट कर दूं, ठीक है भाई डिलीट कर दिया, और ये देखें 8 ने दोनों कवर कर लिए। ठीक है अब ट्यूसडे को हमें समझ में आ रहा है कि भाई 8 है 12 AM पे और मंडे को भी 8 है, और अगर हम इस तरह देखें मंडे को 9 AM और 10 AM दोनों पे ज्योग्राफी है। ठीक है तो एक हो गया हमारा रॉ स्पेन और एक हो गया हमारा कॉल स्पेन। अच्छा कॉल स्पेन हमने देख लिया और ये रॉ स्पेन हमने देख लिया, रिपीट कर देते हैं। अच्छा देखिए दोनों ही चीजें ना आपको सामने नजर आ रही हैं। अच्छा एक और टेबल को हम एट्रीब्यूट दे सकते हैं जिसका नेम है विथ, जिस तरह इमेज की होती थी, अगर हम इसको इस तरह देना 100%, 100% का मतलब ये होगा कि जितनी भी हमारे पास स्पेस होगी ना सारी ले लेगा ये बॉडी के ऊपर, ये देखें
जितनी हमारे पास स्पेस थी सारी कवर कर ली। अच्छा अब आप देखें यहाँ पे जो टेबल आपको नजर आ रहा है, चले मैं इसको पहले काम करता हूँ, ये हटा देता हूँ। रिमूव कर दिया, ठीक है भाई, कॉपी पेस्ट। ठीक है भाई, ये टेबल है मेरा पूरा, इसको चला के देखते हैं पहले। अभी तक मैंने ना कोई कॉल स्पेन लगाया ना कोई रॉ स्पेन लगाया, ये टेबल है पूरा, ये क्लियर है। सिंपल, ऊपर एक टेबल रॉ बनी हुई है, उसमें टेबल हेडिंग ऐड हो रही है और उसके नीचे वैल्यूज ऐड हो रही है। अच्छा, इसमें इन्होंने एक और टेबल हेडिंग डाली हुई है जो लेफ्ट साइड पे चल रही है, क्योंकि टाइम टेबल टाइप की चीज बना रहे हैं कोई। तो अब देखिए रॉ स्पेन और कॉल स्पेन है किस लिए, अगर आप यूज भी नहीं करें ख्याल है कोई मसला नहीं है, यूज करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है, आप देखें यहाँ पे 9 बजे भी और 10 बजे भी समझे एक ही सब्जेक्ट चल रहा है हमारा ज्योग्राफी, 10 बजे भी और 9 बजे, लेकिन ज्योग्राफी हमने दो बार लिखा है, दो बार हमें लिखना पड़ा, दो टैग एक्स्ट्रा बनाने पड़े, ठीक है। तो ये मेहनत भी हुई हमारी, ठीक है, टाइम भी इसमें लगा और ऐप का जो साइज है वो भी बढ़ जाएगा जो भी आप वेबसाइट बना रहे हैं इस तरह करने से। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में मर्ज कर दूं तो मेरा क्या क्या फायदा होगा, कोड भी कम हो जाएगा, टाइम भी कम लगेगा और ऐप का साइज भी कम हो जाएगा, फायदा हो रहा है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो दो बार ज्योग्राफी लिखा हुआ है एक को हटाऊंगा, नीचे वाले को, कौन से वाले को, नीचे वाले को, और ऊपर वाले को जाके मैं एक एट्रीब्यूट दूंगा जिसका नेम है कॉल स्पेन टू। अच्छा वन ये खुद है, वन नहीं दूंगा, वन ये खुद है, टू दूंगा तो ये क्या करेगा, आगे वाली की जो स्पेस है ना वो भी ले लेगा, ये दोनों को कवर कर लेगा। चला के देखते हैं, मैंने रीलोड किया, ऐसा ही किया इसने, पहले दो बार ज्योग्राफी लिखा हुआ था, कितनी बार आया, एक बार, और देखने वाले को समझ में भी आ रहा है कि भाई 9 AM पे भी और 10 AM पे भी क्या है, ज्योग्राफी है। इसी तरह नीचे जिम कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार, तो इसमें भी वही वाली चीज हो गई कि 3-3 बार जिम लिखा हुआ है, 3 नए एलिमेंट बने हुए हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, नीचे जो 2 बार जिम लिखा हुआ है उसको कर दूंगा मैं रिमूव और इसके टीडी को जाके कॉल स्पेन दे दूंगा 3। तो ये क्या करेगा, एक ही एलिमेंट तीनों को कवर कर लेगा, तो इससे टाइम भी बच गया, कोड भी बच गया और हमारी वेब का साइज भी कम हो गया। जी सीएसएस क्या करना है, हाँ तो वो सीएसएस से होगा, सेंटर वाली चीज जो है ना वो सीएसएस से होगी, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते मेरे ख्याल से, करके देख ले अगर हो जाएगा तो सही है। वो मैंने क्योंकि आपको बताया था वो HTML4 का है ना, अगर आपको फिलहाल करना है, फिलहाल के नहीं तो आप कर लें। अलाइन का एट्रीब्यूट है लेकिन अब डिपेंड करता है इसके ऊपर ब्राउजर पे चलाए या नहीं चलाए, वो भी ओल्ड है। ठीक है भाई, मैंने इसको चलाया, सेंटर हो गया, ठीक है भाई, लेकिन ये थोड़ा सा ओल्ड है तो फिलहाल के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं HTML5 में, बाकी वरना ये काम हम सीएसएस से करते हैं। अच्छा अब रह क्या गया, अब यहाँ पे देखें मंडे वाले दिन 12 AM पे 8 है और ट्यूजडे को भी 8 है, दो दो बार लिखना पड़ रहा है, दो एलिमेंट बनाने पड़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नीचे वाले रॉ का जो 8 है उसको मैं कर दूंगा रिमूव, नीचे वाली रॉ का जो है, और ऊपर वाली रॉ को जाके मैं क्या कर दूंगा रॉ स्पेन टू। रीलोड किया, हो गया, ठीक है भाई, आसान है। अच्छा भाई लॉन्ग टेबल में देखें कुछ भी नहीं है, जो लॉन्ग टेबल का वर्ड दिया गया है इसमें ये सिर्फ ग्रुपिंग करना है, मतलब अगर आपके पास टेबल के अंदर बहुत सारा डेटा है तो किसी को ये नहीं पता चलेगा क्या कौन सा हेडर है, कौन सा बॉडी है, कौन सा फुटर है, काफी सारा डेटा है। तो ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ ग्रुपिंग कर रहे हैं कि जैसे मेरे पास ये टेबल है पूरा, अब इसमें मेरा हेडर कौन सा, टॉप वाला, तो मैं इसको क्या करूंगा टी हेड के नाम से एक एलिमेंट है इसके अंदर रख दूंगा, तो ये इसका ग्रुप बन जाएगा। ठीक है भाई, मैंने इसको रख दिया इसके अंदर,
अच्छा अब मैं इसको चला के देखता हूँ, रीलोड किया, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। ये सिर्फ कोड समझने के लिए, ग्रुपिंग के लिए, कि भाई टी हेड के अंदर मेरा पूरा हेडर आ रहा है। तो इसी तरह जितना भी टेबल के अंदर काम हो रहा होगा मैं वो रख दूंगा टी बॉडी के अंदर। अब वो सारे देखिए शॉर्टकट किए वो भी सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, अगर अभी से लगाने लग जाएंगे तो फिर नहीं चली तो बोलेंगे एचटीएमएल समझ में नहीं आ रही, मसला ये आपको तो आता है ना, फिर जिसको नहीं आता उसके लिए मसला है। तो मैं भी अभी देखिए कोशिश कर रहा हूँ कम से कम करूँ, लेकिन फिर भी हाथ फिसल जाता है, क्या करूँ। खैर है चले, तो इसकी नहीं ऑल्टर होता है, ऑल्टर आप यूज करके अप एंड डाउन एरो कर सकते हैं। ठीक है भाई, कोड फॉर्मेट बार बार कर दिया करें, टी बॉडी हो गया। इस तरह अगर लास्ट में आपका जिस तरह यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक बड़ा सा टेबल बना रहे हैं जिसमें पूरा ये हिसाब कर रहे हैं अपना इनकम है और एक्सपेंडिचर जितना भी इनका है, और आखिर में आके इन्होंने दोनों का टोटल किया हुआ है। तो ये जो आखिर में टोटल आ रहा है ना ये फूटर है, तो इन्होंने क्या कर दिया इसको ग्रुप बना के रख दिया टी फूड के अंदर, टी हेड टी बॉडी टी फूड, सिर्फ ग्रुपिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, कोई भी इसका इम्पेक्ट नहीं आएगा। नहीं लाइन नहीं बनेगी, ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया हुआ, लाइन नहीं बनेगी, लाइन तो हमने बॉर्डर ऑलरेडी दिया हुआ है ना, बॉर्डर चल रहा होगा हमारा। किन्होंने हाँ कैलकुलेशन, जाहिर सी बात है एचटीएमएल कोई करके देगा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन वगैरह ये भी जितनी भी काम है ना ये सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है जो कि जावास्क्रिप्ट से करेंगे। अच्छा भाई ओल्ड कोड है, जब तक सीएसएस नहीं पढ़ते तो हम यूज कर सकते हैं, जिस तरह मैंने विद यूज करके आपको दिखाई, विद यूज कर लें और स्पेसिंग और पैडिंग दे दें टेबल के ऊपर ही आके आप अगर देंगे सेल पैडिंग। अच्छा है तो ओल्ड कोड लेकिन ये चल जाएगा फिलहाल के लिए यूज कर सकते हैं। ये क्या करेगा, ये जो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ना आपको बने हुए बॉक्स, अच्छा एक पूरा ओवरऑल बॉर्डर है टेबल का और एक बॉर्डर है बॉक्स का, नजर आ रहा है। अभी जो बॉक्स वाला बॉर्डर है ना इसके अंदर की जो स्पेस है ये पैडिंग कहलाती है। तो मैंने अभी क्या दे दी सेल पैडिंग 5, स्पेसिंग बढ़ गई बीच वाली। अच्छा इसको अगर ज्यादा बढ़ाऊंगा ना फिर आपको शायद नजर आए, 20 कर दिया मैंने, देखें ठीक है भाई। कौन सी वाली देखे, जहां मैं अपना कर्सर रिमूव कर रहा हूँ ना ये वाली स्पेस है, ये चारों तरफ से दे देगा ठीक है भाई। अब वही बात अलग अलग देनी हो तो फिर वो सीएसएस की, क्योंकि ओल्ड कोड है टेम्पररी इसको यूज कर रहे हैं हम। तो इसी तरह हमारे पास सेल पैडिंग के अलावा है सेल स्पेसिंग, इसको हम देते 10। रीलोड किया तो इसने क्या किया हर सेल के बीच में स्पेस दे दी जहां पर ये मैं कर्सर घुमा रहा हूं, चारों तरफ, ये भी चारों तरफ थी ठीक है। तो इसमें हम सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग यूज कर सकते हैं फिलहाल के लिए, कि जब तक सीजर्स हम नहीं कर रहे तो एट्रीब्यूट यूज करके इसमें पैडिंग और वगैरह दें। इसी तो वेबसाइट का लुक आता है, ये पैडिंग और मार्जिन कहलाता है सीएसएस के अंदर, अगर ये नहीं देना तो हम बहुत बुरी लगे वेबसाइट। ये छोटी छोटी चीजें होती है इसी से वेबसाइट हमारी अच्छी बनती है जी। मार्जिन नहीं यहाँ पे नहीं कर सकते, सीएसएस में कर सकते हैं, वो मार्जिन सीएसएस में होता है। अच्छा भाई इसके साथ साथ अब कलर भी आप देख लें, फर्स्ट टाइम एचटीएमएल में कलर आप दे सकते हैं। बॉर्डर मैंने आपको पहले से करके दिखा दिया, कलर कैसे दे सकते हैं, एक एट्रीब्यूट है बीजी कलर, तो कौन सा दें, किसका फेवरेट कलर है पिंक, बस नहीं क्या बात है भाई, लड़कों का नहीं हो सकता क्या पिंक कलर फेवरेट, नहीं है किसी का भी, ठीक है भाई। तो देखें ये पिंक कलर आ गया पूरे टेबल के ऊपर बीजी कलर। अच्छा इसमें जो कलर है ना ये पता है ना कलर की स्पेलिंग थोड़ी ये वाली होती है और दूसरा जो हम करते हैं वो सी ओ एल ओ यू आर करके, ठीक है भाई। तो इसमें जो भी अच्छा कलर आप जो है ना नेम दे सकते हैं, कलर कोड वगैरह, कलर के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे कोई पाकिस्तानी कलर का नाम दे दें तो वो नहीं चलेगा, जिस तरह क्या होता है पाकिस्तानी कलर में होते हैं ना उर्दू में जो गुलाबी वगैरह कत्थई,
और इस तरह का अगर नाम देंगे ना तो वो नहीं चलेगा, इंग्लिश में नाम देंगे तो चल जाएगा। सफेद कलर, सफेद कलर भी नहीं चलेगा, सफेद देना हो तो सफेद तो ऑलरेडी है, ठीक है। इसके अलावा अच्छा ये बीजी कलर जो है ना सिंगल पे भी चलता है मेरे ख्याल से, आप इस पे हटा के आप अगर ये लगा दें इस पे 9M पे सिंगल पे सिंगल सेल पे, ठीक है बताएंगे इस पे भी चलता है, ये सिंगल पे भी चलता है। अच्छा पूरे हेड पे देख लेते हैं लगा के, मेरे ख्याल से सपोर्ट नहीं करेगा, देखते हैं। चल गया भाई देखें, पूरा हेड पे लगा दिया और जितने भी हेड के अंदर वो आ रहे हैं कॉलम आ रहे हैं सब पे अप्लाई हो गया। अच्छा अगर इसके अलावा हम लगाएं इसको किस पे, रॉ पे टी आर पे लगा लो, देखिए टी आर पे भी चल रहा है, मतलब टी आर के अंदर जितने भी कॉलम आएंगे सब पे अप्लाई हो जाएगा। अगर पूरे टेबल पे सेम कलर करना है तो डायरेक्ट जाके आपने लगा देना है टॉप लेवल पे, किसके ऊपर, टेबल के ऊपर। अच्छा इस तरह भी कर सकते हैं भाई, पूरे टेबल को अलग अलग कलर दे दिया, गोलाकंडा टाइप बना दिया, बना सकते हैं, जो कि अभी असाइनमेंट में आपको दे दूंगा एक बनाने के लिए, ठीक है भाई। ये था टेबल में, क्लियर है भाई टेबल, आसान है मुश्किल था, आसान। अच्छा ये दूसरा बड़ा चैप्टर है बुक का, चैप्टर नंबर 7 HTML का, HTML का दूसरा बड़ा चैप्टर है, कर भी सकते हैं खत्म, इतना मुश्किल नहीं है। HTML के हाँ 10 पढ़ेंगे, 10 HTML के 10 CSS के, वैसे ना ये फॉर्म चैप्टर आखिरी होता है HTML का, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा चीजें आ जाती हैं ग्रुपिंग के लिए और फिर आई फ्रेम वगैरह सारी चीजें, तो पढ़ेंगे तो पूरा ही भाई हम। और ये चैप्टर नंबर 7 जो है वो फॉर्म से, फॉर्म में हम क्या क्या देखेंगे, हाउ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विजिटर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म कंट्रोल्स, न्यू HTML5 फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल क्या होता है कि भाई हमें अगर हमारे वेबसाइट पे जो आने वाला यूजर है उससे कोई इनपुट चाहिए हो, उससे कोई डेटा लेना हो, तो उसके लिए हम फॉर्म कंट्रोल यूज करते हैं, फॉर्म्स यूज करते हैं, ठीक है भाई। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वेबसाइट के लिए, कि पहले मैंने बताया ना कि मेरी स्टैटिक वेबसाइट थी तो फॉर्म्स वगैरह नहीं होते थे, तो उसमें किसी को कांटेक्ट करना होता था तो फिर वो ईमेल पे आके करता था, तो फिर फॉर्म्स आ गए, सब चीज़ें आ गई, इतनी सारी चीज़ें आ गई। तो फॉर्म जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे गूगल की अगर हम बात करें google.com पे जाएं तो ये फॉर्म से स्टार्ट होता है, ये फॉर्म है जो आ रहा है ना इनपुट, ये फॉर्म है। अब यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे तो फिर गूगल पूरा आगे जाएगा, सर्च इंजन पे जाएगा और चीज़ें लेके आएगा। तो ये फॉर्म भी इसलिए कि हम इसको इनपुट दे रहे हैं अपना, कि भाई मैं इसको बोलता हूँ कि भाई पाकिस्तान के बारे में गाइड करके लाओ, पहले मैंने इसको इनपुट दिया और फिर इसने मेरे इनपुट के हिसाब से डेटा ला के दिया। तो अभी हम ये नहीं सीखेंगे, अभी हम सिर्फ सीखेंगे इसका डिजाइन, कि ये फॉर्म बनता कैसे, बस डेटा कैसे लेना है, डेटा रिटर्न कैसे देना है, ये सारा काम है आगे का जावास्क्रिप्ट के बाद का, ठीक है। तो अभी सिर्फ डिजाइन आना चाहिए कि भाई डिजाइन कैसे बनता है फॉर्म का। अच्छा और क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं भाई, जैसे मैंने गूगल की एग्जांपल दे दी, फेसबुक में अगर आप देखें तो जहां से आप पोस्ट कर रहे हैं वो फॉर्म है, जहां से आप कमेंट कर रहे हैं वो फॉर्म है, जहां से आप मैसेज कर रहे हैं वो फॉर्म है, जहां से आप सर्च कर रहे हैं वो फॉर्म है। और फॉर्म किस किस तरीके का हो सकता है, जब आप साइन अप लॉग इन करने, सैलानी का आपने एडमिशन लिया फॉर्म है, उसमें ड्रॉप डाउन बने हुए जहां से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, चेकबॉक्स होते हैं, रेडियो बटन होते हैं, तो अभी बुक में भी आएगा कि भाई कितने टाइप के फॉर्म हमारे पास होते हैं, देखिए इन्होंने भी गूगल की एग्जांपल दी है। कुछ फॉर्म होते हैं जो टेक्स्ट इनपुट लेने के लिए होते हैं, टेक्स्ट डेटा में काफी कुछ आ सकता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, ठीक है भाई, कमेंट, मैसेज, सर्च, ये सारा टेक्स्ट डेटा है। और टेक्स्ट डेटा के अंदर ना एक प्राइवेट डेटा भी होता है, सिक्योर पासवर्ड, जैसे वो यूजर टाइप करता है तो वह हाइड हो जाता है, नजर नहीं आता। फिर इसी तरह मल्टी लाइन टेक्स्ट भी होता है, जिसमें कोई जैसे हम ईमेल लिखते हैं तो वो मल्टी लाइन टेक्स्ट एरिया होता है। तो ये तीन अलग तरीके के टेक्स्ट इनपुट होते हैं। फिर फॉर्म के अंदर एक टाइप होती है मेकिंग चॉइसेस, जिस तरह रेडियो बटन
अगर हमें किसी का जेंडर पूछना हो तो हम उसको दो ऑप्शन देंगे, मेल और फीमेल। वैसे अब ये नहीं है लेकिन फिर भी हम दो ही देंगे, और तीसरा हम अदर दे देंगे बस। अब हमें इतना नहीं पता, तो अगर हम बंदा गूगल करें तो पता नहीं, मेरे ख्याल से 50 से ज्यादा जेंडर है दुनिया में, ठीक है भाई। तो लेकिन हमें क्या करना है कि तीन ऑप्शन देते हैं हम ज्यादातर के, भाई मेल फीमेल और या अदर। अच्छा चेक बॉक्स, अच्छा रेडियो बटन ये होता है कि भाई ये हमें ऑलरेडी पता होता है कि यूजर का जवाब इनमें से एक हो सकता है बस। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा मेल भी हो और फीमेल भी हो, ठीक है भाई। तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि यूजर इसका जवाब ना एक ही देगा, एक ही वैल्यू से सेलेक्ट करके देगा। अच्छा चेक बॉक्सेस में क्या है कि भाई यूजर ये भी सेलेक्ट कर सकता है, लेकिन इसमें यूजर हमें मल्टीपल इनपुट दे सकता है कि भाई ये भी हो और ये भी हो, ठीक है भाई। चेक बॉक्स में क्या आ सकता है कि अगर आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं किसी फॉर्म के अंदर कि भाई इंग्लिश उर्दू मैथ जो जो आपको चाहिए, तीन सेलेक्ट कर लें तो आप तीनों जाके चेक लगा के सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये चेक बॉक्सेस कहलाते हैं। अच्छा भाई ड्रॉप डाउन में क्या होता है, ड्रॉप डाउन और चेक बॉक्सेस सेम है, बल्कि सॉरी ड्रॉप डाउन और रेडियो बटन सेम है, और ड्रॉप डाउन चेक बॉक्स भी सेम हो सकते हैं। अच्छा अब सेम है तो अलग अलग क्यों है, रेडियो बटन जब देते हैं जब 3, 4, 5 वैल्यूज हो। अगर आपके पास 50 वैल्यू हैं तो इतने सारे रेडियो बटन आ रहे होंगे, यूजर परेशान हो जाएगा उसको पढ़ पढ़ के। तो जब ज्यादा होते हैं तो फिर हम देते हैं ड्रॉप डाउन कि वे सारे एक ऑप्शन के अंदर आ गए, जब हमने उस पर क्लिक किया तो सारा ऑप्शन खुल गए, उसमें से सर्चिंग भी हो जाती है, सर्च करा और सेलेक्ट कर लिया भाई ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है हमें, तो इसके लिए ड्रॉप डाउन यूज करते हैं। चेकबॉक्स के लिए भी एक मल्टी ड्रॉप डाउन आता है कि ड्रॉप डाउन के अंदर आप मल्टी सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा फिर क्या है, यहाँ पे सबमिटिंग फॉर्म्स के लिए हमारे पास बटन होते हैं, इमेज बटन होते हैं, फिर फाइल अपलोड करने के लिए हमारे पास फाइल इनपुट होता है। अच्छा इसके अलावा और भी होते हैं जो बुक में नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। डेट के लिए भी होता है, ठीक है भाई, फोन नंबर के लिए भी होता है, ईमेल के लिए भी होता है, इसके अलावा नहीं NIC HTML के पाकिस्तानी ने बनाई, ठीक है। तो CNIC के लिए ना नंबर होता है नंबर, तो फिर हम उसको अपने हिसाब से जावास्क्रिप्ट से करते हैं कंडीशनल और फिर चेक करते हैं। इसके अलावा कलर का हो सकता है, टेलीफोन का हो सकता है, तो काफी सारे ऐसे हैं जो थोड़ा थोड़ा करके हम देखेंगे सब। अच्छा ये थोड़ा बता रहे हैं कि हाउ फॉर्म्स वर्क। अच्छा किसी को अगर जावास्क्रिप्ट नहीं भी आती ना, HTML आती हो सिर्फ, तो वो फिर भी फॉर्म सबमिट कर सकता है, इसमें एक ऑप्शन होता है। अगर कोई बैकएंड डेवलपर हो, उसने आपको कोई API बना के दे दिया, API क्या होता है, एक URL होता है जहाँ पे आप डेटा भिजवा देते हैं कि भाई फॉर्म में आके जो यूजर डेटा लिखे वो उस API पे चले जाए, तो अगर वो आपको मिल जाए तो आप सिर्फ HTML अगर आपको आती हो तो आप ये सबमिट करवा सकते हैं, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं। तो ये बता रहे हैं कि एक फॉर्म होता है जिसमें आप यूजर का डेटा लेते हैं और वो उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो जाता है सर्वर पे, जो भी यूजर लिखता है उसमें डेटा, वो सारा डेटा जाता है सर्वर पे, फिर सर्वर पे जो भी डेटा का करना होता है, हमें डेटाबेस में सेव करना है या उस पर कोई कैलकुलेशन करनी है, कुछ करना है, वो सब होने के बाद सर्वर आपको दोबारा से रिटर्न करता है एक रिस्पॉन्स, थैंक यू या कोई भी, जैसे बोल देता है कि भाई यू वॉन्टेड फॉर हर बी एंकॉप, तो इस तरह कुछ भी आपको एक मैसेज मिल जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा आपका जो डेटा है वो सर्वर पे चला गया है, ठीक है भाई। अच्छा इसमें एट्रीब्यूट होते हैं, काफी सारे इसमें एट्रीब्यूट होते हैं, जिस तरह भाई देखिए ये चीज समझने वाली है थोड़ी, अभी तो काम नहीं आएगी क्योंकि अभी हम डिजाइन बना रहे हैं सिर्फ। फॉर्म के अंदर ना एट्रीब्यूट होते हैं काफी सारे, जिसमें एक एट्रीब्यूट है नेम का, ये नेम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। ये नेम किस लिए होता है, मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास बहुत सारे इनपुट हैं, जिस तरह मेरे पास समझे एक इनपुट है फिलहाल, और यहाँ पे आके मैंने लिख दिया गौस या अहमद या जो भी किसी ने भी अपना नाम लिख दिया, दूसरा बंदा आया उसने ये डेटा देखा, अब उसको कैसे पता चलेगा ये नाम है फादर नेम है या क्या है, नहीं पता उसको, नहीं पता ना, तो हमें इसके लिए एक नेम इसका भेजना होता है सर्वर पे कि भाई ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये एक नेम है। इसी तरह जब दूसरी वैल्यू होती है तो वो आप देख रहे हैं तो वो एक फादर नेम है, रोल नंबर है,
मोबाइल नंबर है, तो इस तरह हर वैल्यू का एक नेम हम भेजते हैं सर्वर पे, जिससे सर्वर वगैरह को पता चल जाता है कि ये जो डेटा आ रहा है ये क्या है। ठीक है, तो ये नेम वाला जो है ना, ये हम हर फॉर्म के साथ दे देते हैं। अभी अगर नहीं भी दे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हम डेटा सर्वर पे नहीं भेज रहे, सिर्फ डिजाइन बना रहे हैं। फॉर्म स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म के एलिमेंट से शुरू होता है, जिस तरह लिस्ट यूएल ओएल से शुरू हुआ, टेबल टेबल से शुरू हुआ, तो फॉर्म बनाना हम शुरू करते हैं फॉर्म के एलिमेंट से। ठीक है भाई, और जितना भी कुछ आता है वो सारा फॉर्म के एलिमेंट के अंदर आता है। अच्छा, फॉर्म के एलिमेंट के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें एक है एक्शन और एक है मेथड। ठीक है भाई, एक्शन क्या करता है, एक्शन में देखें यूआरएल दिया हुआ है यहाँ पे www.example.com, ये यूआरएल वो एपीआई का यूआरएल जिसकी मैं बात कर रहा था, कि जो भाई बैकएंड डेवलपर होगा वो आपको सर्वर का एड्रेस देगा। ये सर्वर का एड्रेस होता है कि भाई ये सर्वर का एड्रेस है, इस पर आप डेटा भेज दो। तो एक्शन के अंदर हम वो एड्रेस दे देते हैं जहां पे हमें डेटा भेजना है सर्वर पे, वो यूआरएल दे देते हैं। और मेथड में हम इसको बता देते हैं कि भाई गेट है या पोस्ट है। गेट और पोस्ट में क्या फर्क है, देखिए मेथड वैसे तो बहुत सारे होते हैं, गेट और पोस्ट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, अभी नहीं भी समझ में आया तो अभी कोई इसका हमें इतना काम नहीं है, सारा आगे का काम है। तो गेट क्या करता है, जिस तरह गूगल पे आप देखेंगे ना, इसको मैं पाकिस्तान लिख रहा हूँ, इसको मैं डेटा दे भी रहा हूँ और ये डेटा लेके भी आ रहा है, तो इसमें जो मेथड यूज हो रहा होगा ना वो गेट होगा, क्योंकि हम डेटा मंगवा रहे हैं। ठीक है, गूगल को मैंने इनपुट दिया एक पाकिस्तान, उसने कितना सारा मुझे डेटा लाके दे दिया, तो ये गेट मेथड होता है। पोस्ट मेथड क्या होता है, जो सिर्फ हमें डेटा भेजना है, हमें चाहिए नहीं, हमें अपने वेब एप्लीकेशन से डेटा सर्वर को देना है बस, और रिटर्न में उससे रिस्पॉन्स चाहिए, हाँ भाई मिल गया उसको बस, और कुछ नहीं चाहिए, वो पोस्ट मेथड होता है। अच्छा, गेट मेथड जो होता है ना वो आपको ऊपर यूआरएल में भी शो होता है। ये देखिए मैंने पाकिस्तान लिखा था ना, तो ऊपर क्यूरी के अंदर क्यू के अंदर आप देखिए पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है टॉप के ऊपर, ये आ रहा, तो यूआरएल में शो भी हो रहा होगा और डेटा गेट करके भी ला रहा होगा गेट का मेथड। ठीक है भाई, तो फिलहाल इसको हम किसी भी तरह यूज करके नहीं देख सकते, क्योंकि हमने अभी आगे की चीजें नहीं पढ़ी हैं, अभी हम सिर्फ डिजाइन पे रहते हुए, एक्शन हमें नहीं देना, मेथड हमें नहीं देना, सिर्फ फॉर्म यूज करना है। अच्छा, आईडी, अगर देखिए आईडी याद है जो हम सेम पेज लिंकिंग के लिए हमने इस्तेमाल की थी, आईडी वही चीज होती है। आईडी आप पूरे एचटीएमएल में किसी भी एलिमेंट को दे सकते हैं, वो उसकी एक यूनिक पहचान बन जाएगी। सबसे पहला टेक्स्ट इनपुट, जिसकी इनपुट टाइप जो होगी वो टेक्स्ट होगी, बना लेते हैं एक फॉर्म। अच्छा, जब तक हम एचटीएमएल सीएसएस वगैरह नहीं पढ़ते ना, तो फॉर्म को अच्छा बनाने के लिए ना हम टेबल ही यूज करते हैं। टेबल से क्या होता है कि फॉर्म की जो अलाइनमेंट होती है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है। टेबल की रॉ बनाते हैं, फर्स्ट रॉ में हम इनपुट दे देते हैं, यूजर को बोलते हैं अपना इसमें फर्स्ट नेम लिखो, फिर नीचे वाली रॉ में हम बोल देते हैं इसमें आप अपना फादर नेम लिखो, तो टेबल को यूज करके ना बड़ा अच्छा बन जाता है। तो मैं फॉर्म बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, भले इसको एम्प्टी छोड़ दें एक्शन को या दे ही ना इनपुट। ठीक है भाई, अच्छा नेम और आईडी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन अभी देना जरूरी नहीं है। टाइप जो है ना ये इंपॉर्टेंट चीज है, टाइप का एट्रीब्यूट इसमें बताता है इसको इनपुट को कि भाई ये किस टाइप का इनपुट है, इसमें किस टाइप का डेटा हमें लेना है, मतलब यूजर से हमें जो डेटा लेना है वो क्या है। मिसाल के तौर पे मुझे यूजर से लेना है नेम, तो उसका जो नेम है ना वो एक टेक्स्ट है, एक सिंपल प्लेन टेक्स्ट है उसका जो नेम है। अगर मुझे यूजर से लेना है उसका फोन नंबर, तो वो एक नंबर है। ठीक है, तो इसमें टेक्स्ट क्या करता है, लेकिन डेटा टाइप देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है, वही वाली बात समझ लें इसको भी ना, वही वाली बात समझ लें। देखें इसमें जो है ना, मैं कोई भी प्लेन टेक्स्ट लिख सकता हूँ, ये एक इनपुट मेरे पास आ गया, इसमें मैं कोई भी प्लेन टेक्स्ट लिख सकता हूँ, चाहे वो कोई भी टेक्स्ट हो, अगर आपको पता है कि ये प्लेन टेक्स्ट है तो आप टेक्स्ट दे देंगे टाइप सिंपल। अच्छा, अगर आपको पता है कि इसमें यूजर का मुझे नंबर चाहिए, फोन नंबर, तो आप इसको दे देंगे नंबर की टाइप। नंबर की टाइप क्या करेगी कि भाई जब भी यूजर इसमें आगे कुछ लिखेगा, इसको अल्फाबेट अलाउ नहीं करेगी लिखना, सिर्फ नंबर लिख सकते हैं इसमें।
ये नंबर की टाइप होती है कि अगर फोन नंबर आपको लेना हो, CNIC नंबर लेना हो या कोई भी और दूसरा नंबर लेना हो, पोस्टल कोड, जिप कोड, जिसमें सिर्फ नंबर होता है, तो आप उसमें टाइप कौन सी यूज कर लेंगे? नंबर यूज कर लेंगे। नंबर में टेल भी होता है इसमें, वैसे ये अलग होता है। अगर आपने टेल ना, टेल पता है क्या करेगा आपको, अल्फाबेट भी ऐड कर देगा। लेकिन इसमें फायदा ये होता है, जब आपकी वेबसाइट मोबाइल में खुलती है ना, तो फिर ये मोबाइल का जो कीबोर्ड खुलता है आपका, उसमें ये नंबर दिखा देता है आपको, ये इसका फायदा होता है। वरना नंबर के लिए ना ज्यादातर ये नंबर ही यूज करते हैं, चाहे कैसा भी नंबर आपको लेना हो, फोन नंबर, CNIC नंबर, रोल नंबर, तो सबके लिए नंबर है। नंबर ज्यादा यूज होता है, ठीक है, मोबाइल फोन के लिहाज से फिर डायल कर देते हैं। अच्छा, नंबर टाइप होगी ना तो भी वो कीबोर्ड नंबर वाला ही दिखाएगा। लेकिन एक होता है जो डायलिंग पैड आया था ना, एक होता है कीबोर्ड में नंबर आना, वो जो टॉप पे आते हैं मोबाइल के, एक होता है डायलिंग पैड आया ना, जिसमें हम नंबर डायल कर सके। तो अगर हम डायल करेंगे तो फिर वो आ जाएगा डायलिंग पैड। अच्छा देखें, इस तरह यूजर को, अब हमें देखें यूजर को भी तो बताना है ना इसमें क्या लिखना है। अब हमने तो बना दिया इनपुट, मिसाल के तौर पे मैंने टेक्स्ट लिखा था और मैंने कहा था इसमें मुझे यूजर का नाम चाहिए। अब यूजर को सिर्फ इनपुट नजर आ रहा है, अब उसको कैसे पता चलेगा मैं इसमें नाम लिखूं? तो हमें इससे ऊपर एक डालना पड़ेगा लेबल, या लेबल बोल देंगे इसको ना, कि भाई इसको हम बोल देंगे एंटर योर नेम। तो इससे यूजर को पता चलेगा कि भाई यहाँ पे उसको अपना नाम लिखना है, ठीक है भाई। बॉक्स में वो फिर टेबल से कर देंगे आप, वो टेबल से कर देंगे। अगर आप उसको पैराग्राफ के अंदर भी लाना चाहे तो देखें ये और अच्छा नजर आ जाएगा आपको, एक पैराग्राफ में आ जाएगा, ठीक है भाई। क्योंकि इनपुट जो है ना इसका बिहेवियर इनलाइन है, इनलाइन पता है ना क्या होता है, आ रहा है, आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आएगा, आएगा भी आएगा, ठीक है भाई। नेम बता दिया मैंने आपको किस लिए था। साइज जो है ना, ये इनपुट का साइज बताता है कि कितना आपको रखना है, ठीक है। ये भी टेम्परेरी है, लेकिन आप जो इसका एक्चुअल साइज है आगे जाके वो आप CSS से ही देते हैं। जैसे मैंने इसको 12 कर दिया या 10 कर दो या जो भी कर दो, इसका देखें साइज कम हो गया। मैं इसको अगर 100 कर दूं, इसका साइज बढ़ गया। लेकिन ये वही टेम्परेरी वाली चीज है, परमानेंट अगर आपको करना है तो आप ये करते हैं CSS से। अच्छा, एक इसमें ना मैक्स लेंथ वाली चीज है, जैसे मुझे मैक्स लेंथ लगानी है कि इसमें यूजर जो है ना वो 6 से ज्यादा लेटर्स ना लिख सके। चेक करते हैं भाई, ठीक है, मैंने अपना नाम लिखा, अब मुझे ये लिखने नहीं दे रहा, टाइप करने नहीं दे रहा, इसने यहीं पर ही रोक दिया। लेकिन ये जो मैक्स लेंथ है ये सिर्फ चलता है टाइप टेक्स्ट के साथ, इसके साथ चलता है। अगर टाइप में नंबर दे दूंगा ना तो अब ये मैक्स लेंथ नहीं चलाएगा। अब ये देखें, जितना मर्जी चाहे लिख दो, टाइप टेक्स होगी तो मैक्स लेंथ चलेगा। और मैक्स लेंथ क्या करेगा, 6 कैरेक्टर्स लेगा आपसे, 6 लेटर्स लेगा और वहां पे आपको रोक देगा, लिखने नहीं देगा। अच्छा, इसके अलावा आप नंबर पे भी लगा, जैसे CNIC नंबर में कितने होते हैं हमारे पास, 13 होते हैं, मोबाइल नंबर में 11 होते हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर में 16 होते हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इन सब चीजों की वैलिडेशन ना जावास्क्रिप्ट से लगा देते हैं आगे जाके। HTML से लगा भी देंगे ना तो ये सिक्योर नहीं होता। अगर हम HTML से कोई वैलिडेशन लगा भी देते हैं, देखें ये वाली, कि भाई यूजर इसमें टाइप कर सके सिर्फ 6, आगे टाइप नहीं कर पा रहा, तो जो भी डेवलपर होगा वो क्या करेगा, इंस्पेक्ट, और यहां से जाके मैक्स लेंथ को वो कर देगा, जितनी भी उसको रखनी होगी, अपना नाम जितना बड़ा उसको चाहिए, मैंने कहा भाई 100, ठीक है भाई। तो अब वो यहाँ पे क्या करेगा, इसको एडिट कर सकेगा जितने मर्जी चाहे, तो ये नासा हैक हो गया, ठीक है भाई। तो इस वजह से जो ये वाली चीजें जो है ना हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं, जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं कर सकेगा वो, जावास्क्रिप्ट में फिर उसको और एक्सपर्टीज चाहिए होंगी करने के लिए, तो फिर जाके वो करेगा, वरना इतनी आसानी से नहीं कर सकेगा। ठीक है भाई, टाइप टेक्स्ट हो गया, नेम हो गया, मैक्स लेंथ देख लिया, पासवर्ड इनपुट।
पासवर्ड इनपुट क्या करेगा भाई, पासवर्ड हम ले लेते यूजर का, इंटर योर पासवर्ड इनपुट, आईडी और नेम हटा देते हैं, क्या क्लिक पे क्या कर रहा हूं मैं, तो शॉर्टकट की नहीं है ना, आप मैं इनपुट लिख रहा हूँ वो खुद दिखा रहा है मुझे, देखें इनपुट मैंने एंटर किया हो बना दिया उसने, मैंने आएगा भाई क्यों नहीं आएगा, तो फिर आपकी सेटिंग्स आउट हुई भी होंगी सॉफ्टवेयर की, वैसे ही जब इंस्टॉल करते हैं ना ये खुद आ जाती है सेटिंग्स, इसका इतना कोई, देखे मैंने इनपुट लिखा, इनपुट पे आया खुद आ गया, मैंने आईडी भी आएगी भाई, इनपुट देखे इनपुट टैक्स इस तरह भी शॉर्टकट की होती है इसकी, ये कर रहा था मैं, ठीक है भाई। तो ये सारी वैसे ये खुद बताता है सॉफ्टवेयर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई इसमें इतनी सारी चीजें होती हैं जो खुद ही रहती हैं, आप अब तो ऐसा टाइम आ गया है इतनी अच्छी अच्छी चीजें आ गई, या फॉर्म बना रहे हैं आप इसमें एक एक्सटेंशन आती है AI की, वो डालेंगे खुद बन जाएगा पूरा, तो अब तो ये वाला टाइम है, लेकिन अभी हमारा लर्निंग स्टेज है, अगर अभी हम इसमें लग गए ना तो फिर हमने पढ़ लिया, इसी वजह से नहीं बना रहे। तो ये देखिए जब भी मैं इसमें कुछ लिखूंगा तो ये इस तरह आएगा, ठीक है भाई, क्योंकि इसकी टाइप पासवर्ड है। अच्छा अब अगर आपको कहीं पे ये पासवर्ड नजर आए, ये भी वैसे ना सिक्योर नहीं होता, लेकिन क्योंकि हमने लिखा है अपने पीसी पे, इसको इतना ज्यादा सिक्योर करने की जरूरत भी नहीं है, ये किस लिए होता है वैसे पासवर्ड, कि जब हम टाइप कर रहे हो ना, हमारे बराबर में कोई बैठा हो और हमारी स्क्रीन पे देख रहा हो, उसको नजर ना आए, जिस तरह अगर मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप करूँ तो आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है, हो सकता है मेरे बराबर वाला कीबोर्ड देख ले कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ, लेकिन स्क्रीन पे नजर नहीं आएगा उसको, ये इसलिए होता है, वरना इसकी भी कोई, अगर इसको मैं इंस्पेक्ट में जाके दोबारा से इसकी टाइप को पासवर्ड की जगह में कर दूंगा टेक्स्ट, तो ये नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है भाई, क्योंकि टेक्स्ट जो है वो नजर आता है, ये प्लेन टेक्स्ट होता है, पासवर्ड जो है वो थोड़ा हाइड हो जाता है। व्यू का ऑप्शन लाना पड़ता है, कुछ ब्राउजर होते हैं जिसमें बाय डिफॉल्ट होता है, कुछ ब्राउजर में लाना पड़ता है खुद से, जावास्क्रिप्ट वगैरह से, आप माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर रहे होंगे, उसमें आता है, एज में आता है, देखिए मैं अगर दूसरे ब्राउजर पे जाऊँ ना, माइक्रोसॉफ्ट एज, इसमें मैं गया, हाँ ये ब्राउजर का अपना फीचर होता है, देखें आई आ गई, ये देखें ये ब्राउजर बेस होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट दे रहा है इस ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है, टाइप देख रहा है पासवर्ड की, अगर टाइप है तो ये खुद डाल देता है, वो फिर हमें देना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट से, ठीक है भाई, पासवर्ड हो गया। टेक्स एरिया, अच्छा टेक्स एरिया, फिर रेडियो बटन, फिर चेक बॉक्स, और फिर जो ड्रॉप डाउन, और फिर मल्टी सेलेक्ट, और फिर फाइल इनपुट, और फिर सबमिट बटन, और फिर इमेज, और फिर देख रहे हैं भाई कितना बड़ा चैप्टर है। सर एक ही रॉम है, तीन फॉर्म इस तरीके से बनाएंगे, एक ही रॉम है तीन फॉर्म, टेबल यूज कर लें, टेबल यूज कर लें बन जाएगा, टेबल यूज करके भाई ये देखें, अभी जैसे इंटर योर नेम आ रहा है, इंटर योर पासवर्ड नीचे आ रहा है, आप चाहते हैं लेफ्ट पे इंटर योर नेम आए और राइट पे इंटर योर पासवर्ड आए, क्या करें, इसको टेबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम, टेबल, अच्छा टेबल TR से भी शुरू हो जाता है, लेकिन बेहतर यही है कि आप पूरा करें काम, जान छुटवाने वाला नहीं करें तो अच्छा है, तो TR बना दी, और इन दोनों को मैं रख दूंगा आप किस में, कॉलम के अंदर, TD के अंदर ये आ गया ऊपर वाला पैराग्राफ, और एक और TD मैंने नीचे बनाया उसमें आ जाएगा नीचे वाला पैराग्राफ, कोड को करेंगे फॉर्मेट, और अब चलाएंगे हम, ये आ गया, ठीक है भाई, तो अब इसकी जो साइज था वो कम था, इस वजह से ये छोटा नजर आ रहा है, ये बड़ा नजर आ रहा है, इस तरह आप चाहते हैं इसको और अच्छा कर दें, दोनों को साइज को सेम कर दें, तो आप ये हटाएं पहले, दोनों का साइज सेम हो गया, आप चाहें तो आप टेबल को बोल दें कि विद ले लो भाई आप
100% पूरी लाइन कवर वैसे इसने की भी है। ये जो स्पेस है ना, ये इनपुट का डिफॉल्ट साइज, इनपुट का डिफॉल्ट साइज इतना ही होता है, ठीक है भाई। तो इस तरह ये दोनों बराबर में आ गए। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपको सेंटर में लाना है इसको, तो आप टेबल को दे दें 50%, टेबल 50% हो गया, और आप एक ऊपर पेरेंट एलिमेंट बना दें सेंटर। ये क्या करेगा, पूरे को उठा के, अच्छा आप रख दें फॉर्म के अंदर पहले सेंटर ना, फॉर्मेट करा कोड, सेंटर आ गया फॉर्म, ठीक है भाई। जिस तरह होता है फॉर्म सेंटर में, तो आप इसमें जितने, अगर आपने नीचे दो और ऐड करना है तो आप वहां पे एक और टी आर बना दें, नीचे तीन और ऐड करना है, एक टी आर बनाए तीन कॉलम डाल दें। तो इस तरह टेबल को यूज करके ना बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम फॉर्म का, जब तक सीएसएस नहीं पड़ी। सीएसएस पढ़ेंगे तो फिर सीएसएस से और अच्छा बन सकता है। अच्छा भाई, टाइप जो है वो पासवर्ड हो गई, एक और टी आर बना लेते हैं, एक मैं इनपुट बना लेता हूं यहां पे, इंटर योर डीओबी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है भाई। तो इसके लिए हमारे पास होता है डेट टाइप। अच्छा, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट नहीं होता, डेट वाले जितना भी डेटा है ना, किसी इवेंट की डेट दे रहे हो, डेट ऑफ बर्थ ले रहे हो, ठीक है, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें डेट चाहिए हो, तो हम इनपुट की टाइप रख देते डेट। तो एचटीएमएल क्या करता है, हमें एक कैलेंडर खोल के देता है इस तरह, तो हम इसमें फिर जो भी चाहें डेट सेलेक्ट कर लें, कोई से भी ईयर में चले जाएं। ठीक है भाई, कोई से भी ईयर में चले जाए, या यहाँ से आप टाइप करके भी लिख सकते हैं इस तरह, आपने इसको कट किया, यहाँ से आपने टाइप करके भी लिख दी, ठीक है भाई। तो डेट हो गया, डेट के अलावा और क्या हो सकता है, टाइम भी होता है, टीओबी टाइम ऑफ बर्थ, ये तो किसी को नहीं पता होगा, फिर भी टाइम का देखें होता है यहाँ पे। ये क्या करता है, ये भी इस तरह ऑप्शन हमें दे देता है कि भाई टाइम सेलेक्ट कर लिया, पीएम एएम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है भाई। ये ना बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं, ये लोग आगे तक यही वाले यूज करते हैं एचटीएमएल के, क्योंकि जब हम ये अगर पूरा कैलेंडर खुद बनाने बैठे ना तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो कैलेंडर एचटीएमएल बना बनाया हमें देता है, तो हम आगे तक यही यूज करते हैं। इसी तरह टाइम भी इतना जबरदस्त दिया हुआ इसने, टाइम भी हम यही यूज करते हैं। अच्छा भाई, और क्या हो सकता है इसके अलावा, देखें कलर भी होता है, देखें कलर, तो इस तरह से आप जो भी इसमें से कलर सेलेक्ट करना चाहें कलर आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह काफी सारे और भी होते हैं, ऐसा इस तरह इसको देखते रहेंगे, सही है भाई। फिलहाल हमने कौन कौन से देखे, टेक्स्ट देखा, पासवर्ड देखा, डेट देखा, टाइम देखा, कलर देखा, अच्छा ईमेल भी होता है, ईमेल भी होता है, ठीक है भाई, ईमेल हो गया। अच्छा इसके अलावा ये देखें आप, डेट टाइम दोनों एक साथ भी होते हैं, कि एक ही इनपुट में आपने डेट भी ले लिया और टाइम भी ले लिया। डेट टाइम लोकल, ये भी सेम काम करता है, लोकल ये होता है कि जो लोकल वाला जो हमारा टाइम है वो यहाँ पे शो करवा दे, देखते हैं इसको चला के डेट टाइम लोकल में क्या फर्क है। देखिए मैं इसको चलाया तो अब इसने देखें वही पूरा दिखाया, और इसमें जो भी हमारे देखें सिस्टम का टाइम हो रहा है ना वो यहाँ पे लेके आ गया, और हिसाब से इसने पूरा सेट कर दिया। तो इसमें और भी काफी सारे होते हैं, देखें ये अभी तो कहीं भी नहीं जा रहा, अभी कहीं भी नहीं जा रहा, अभी हमारे पास ही, तो हम इसको आगे भेजेंगे, जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ लेंगे, जब हम सर्वर पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर इसको कहीं भेज सकेंगे, अभी हमारे पास ही है। नेक्स्ट लाइन नंबर के अंदर,
नंबर टाइप दूं और इसमें क्या दूं, क्या दूं इसमें, नेक्स्ट लाइन में जाना है। नेक्स्ट लाइन में तो फिर होता है हमारे पास टैक्स एरिया, वो मल्टी लाइन हो गया ना, ये सिंगल लाइन है वो मल्टी लाइन हो गया। लेंथ, अच्छा मैक्स लेंथ अभी मना किया ना मैंने, मैक्स लेंथ का मैंने अभी क्या बताया, तो यही तो मैंने बताया शुरू में, जब मैंने शुरू में मैक्स लेंथ बताया मैंने क्या बताया कि ये जो सिर्फ मैक्स लेंथ है किसके साथ चलेगा, टाइप टेक्स्ट के साथ चलेगा, उस पर सपोर्ट नहीं है, अगर इसके अलावा करना है तो जावास्क्रिप्ट से होगा। टैक्स अगर लगाते हैं तो नंबर भी आ रहा है, लगा सकते हैं लेकिन नंबर जब आप सिर्फ लगाते हैं ना तो फिर आप सिर्फ नंबर ही टाइप कर सकते हैं, ये फर्क है। इसमें देखें जब आप इसकी टाइप नंबर देते हैं ना तो वो खुद आ जाता है, यहाँ पे देखें इस तरह ये नंबर से खुद आ जाता है। अगर आपने वो बटन वाला देना है, बटन दबाओ तो वो फिर जावास्क्रिप्ट से होगा, वो इससे नहीं होगा फिर। सही भाई, इसके अलावा भी देखें काफी सारी टाइप है, आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे। अभी हमने ईमेल देख लिया, टैक्स देख लिया, पासवर्ड देख लिया, ठीक है भाई। URL होता है, वीक होता है, मंथ भी आ गया, मंथ में देखते हैं क्या आ रहा है। देखें भाई मंथ सेलेक्ट करके दे रहा है, मंथ में हमें मंथ और ईयर सेलेक्ट करके दे रहा है, और वीक में क्या कर रहा है ये देखें, वीक में ये हमें पूरा पूरा वीक सेलेक्ट करके दे रहा है। देखें कितना जबरदस्त है ये वीक नंबर बता रहे हैं, वीक 24, वीक 25, वीक 26, इस तरह से हमें दे रहे हैं। तो काफी सारी टाइप है ये हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर बात है। ये देखिए इतनी सारी होती है याद भी नहीं रहती कभी कभार, तो जब हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट आती है ना, ऐसा फॉर्म बनाना है जिसमें हमें कलर चाहिए यूजर से, तो फिर हम कलर दे देंगे। अगर उसमें हमें वीक चाहिए वीक दे देंगे, मंथ चाहिए मंथ दे देंगे। वो होता है एक एट्रीब्यूट जिसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर, क्या बोलते हैं प्लेस होल्डर। इसमें मैं बोल देता हूं एंटर योर नेम, तो ये देखिए अंदर लिखा हुआ आ रहा है, जब मैं कोई कुछ टाइप करूंगा ये चले आएगा, ये खिलाता है प्लेस होल्डर टैक्स। क्या खिलाता है? प्लेस होल्डर टैक्स। इसका एट्रीब्यूट क्या है? प्लेस होल्डर। और इसमें जो भी आप वैल्यू देते हैं वो इस तरह से शो हो जाती है, हाईलाइट होकर शो हो जाती है, और जब आप कुछ टाइप करते हैं वो चली जाती है, ठीक है भाई। इसमें क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये अलग ही टाइप्स हैं, इसमें MMDD ये फॉर्मेट आ रहा है डेट का, और इसमें वीक लिखा हुआ आ रहा है, तो इस वजह से इन इन इस वाले ना जैसे ये डेट है और ये दूसरे, इसमें नहीं होता प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर सिर्फ टेक्स्ट में होगा, पासवर्ड में होगा, ईमेल में होगा, इस तरह के इनपुट में होगा। जहां पे आपको टाइप करना है ना, खुद से टाइप करना है, वहां पे प्लेस होल्डर चलेगा भाई, उसके अलावा प्लेस होल्डर नहीं चलता, ठीक है भाई। यहां तक रखें फिर, बाकी का जो फॉर्म है ना वो आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा अभी हम क्या करते हैं, असाइनमेंट। अभी का आपका असाइनमेंट क्या दे? कोई अच्छा देते रेस्टोरेंट का, आसान आसान देता रू और आराम। अच्छा अब आप एक काम ये करेंगे, आप बनाएंगे चेस गेम, चेस गेम बना लोगे भाई? प्ले विले नहीं करना, तो प्ले भी करना है, आराम से बन जाएगा भाई। अच्छा ये स्पेलिंग ये इस तरह, ठीक है भाई बन जाएगा। टेबल को यूज करना है, टेबल और इमेजेस यूज होंगी बस, टेबल और इमेजेस बस, और कुछ भी यूज नहीं होगा। किस तरह होगा? बिल्कुल आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है।
इसका कलर जो रखना चाहे रख दें, इसके जो ये पीसीस आ रही हैं ये आप उठा सकते हैं गूगल से, मिल जाएंगे बड़े आराम से, ठीक है भाई। पीएनजी में उठाइएगा, पीएनजी में उठा के आप उस टेबल डेटा के अंदर रखेंगे तो उसको सेंटर अलाइन कर देगा, सेंटर यूज करके, तो ये पूरा जो है ना बड़े आसानी से बन सकता है, ठीक है भाई, बन जाएगा। इससे मुश्किल बनना वो है पीरियोडिक टेबल, अगर वो दे दूं मैं, लेकिन ये जो है ना उतने लोगों ने बना के डाला हुआ, फिर वो आप छपाई वाली हरकतें शुरू कर दोगे, मसला ये आता है। और मैंने वही पहले दिन समझाया था ना, पता नहीं क्यों करते हैं छपाई, ये समझ में आने वाली बात नहीं है। तो ये देखें, ये अगर ये बना लें आप, ठीक है भाई, इसमें से ये वाला अगर बना लें, कहाँ चला गया, ये आ गया भाई, ठीक है यार, जो भी आसान वाला कोई हो ना वो बना लें, दोनों बनाए दोनों। ए भाई भाई देखिए, इतना हमें देखिए टाइम लग रहा है ना, फिर छोड़े, फिर एक बनाए, चेस बनाए सही है, पीरियोडिक नहीं बनाए, उसमें बिला वजह बहुत लंबी होगी, बहुत टाइम लग जाएगा आपको, ऐसा लगेगा आप डेटा एंट्री कर रहे हैं, खुद से आप बनाएंगे ना तो उसमें लगेगा डेटा एंट्री कर रहे हैं आप, तो कोई मसला नहीं है। तो इसमें हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं है ना, हमारे काम है कोडिंग सीखना, तो भाई ये बना लीजिएगा, ये इमेज में शेयर कर दूंगा क्लास रूम पे, इस इमेज को देखते हुए आप बना लीजिएगा, ठीक है भाई। किसी का कोई सवाल? हाँ, कलर मैंने अभी बताया ना, बीजी कलर जो एट्रीब्यूट है, हाँ सीएसएस जिसको आती कर ले भाई, लेकिन छापाए बगैर, कभी छाप दे सीएसएस, इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करे चेस गेम डिजाइन विद सीएसएस, ओ सॉरी विद एचटीएमएल या सीएसएस, तो इस तरह उसको मिल जाए बना बनाया और बना दे, तो ये करना फजूल है, इससे अच्छा नहीं बनाइएगा। देखिए अगर कोई चाहेगा ना मैं छपाई करके बनाऊं, मैं उसको ऑप्शन दे रहा हूँ वो असाइनमेंट ना बनाए, सही है भाई, कोई मसला नहीं। और जो बनाएगा वो खुद मेहनत करके बनाए, इससे बहुत फायदा होगा आपको, ठीक है भाई। ये देखिए कलर किसको देंगे आप, टेबल सेल को, टीडी जो है उसको बीजी कलर का एट्रीब्यूट देंगे, और इमेज को आप उसके अंदर रख के, इमेज आ जाएगी, इमेज को हाइट विथ देंगे उसको, एक फिक्स साइज का बना देंगे और उसके अंदर आके सेट हो जाएगी। गिटहब का क्या बताऊं, गिटहब का थोड़ा अभी बताएंगे एक दो क्लासों के बाद, अकाउंट बन गया बस, सही है, अकाउंट अच्छी बात है, अभी से बना लिया आपने, यूजर नेम वगैरह बना लिया, अकाउंट बना लिया, बहुत अच्छी बात है। तो बाकी दो तीन क्लास से हमारी हो जाए तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम ये देखेंगे। और किसी का कोई सवाल? ठीक है भाई, और इसके अलावा बुक्स आपको, बुक आपको मिल गई, छुट्टी करें, 5 मिनट है ना अभी, तो 11 बज गए। अच्छा भाई देखें, ये लाजमी टाइम पे करना है असाइनमेंट भाई, जो भी करा करे ना, देखिए अब जिसने पीछे वाले नहीं करे वो पीछे रह गया, कौन से, हाँ जमा करवाए ना, ड्यू डेट वाले निकल जाए आप जमा करवा दें, ताकि आपका नाम तो आ जाए ना, हाँ भाई इसने जमा करवाया, थर्ड में भी करवाएं, ऐसा ना हो कि दूसरे में करवा दिए, थर्ड में नहीं करवाया, थर्ड में भी करवाएं लाजमी, ठीक है भाई। तो असाइनमेंट देखिए थोड़ा करेंगे ना, बहुत अच्छी बात है, आपका नेम आएगा हमारे पास। सर मैं ये कह रहा था, ये जो इसमें जो बॉक्सेस हैं इसके अंदर गैप कैसे देंगे, स्पेसिंग दी ना अभी मैंने, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, जो एट्रीब्यूट मैंने बताया स्पेस वगैरह देने के लिए, सही है भाई। फिर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अल्लाह हाफिज़। चीजें